भारत समाचार एवं दैनिक भास्कर के कार्यालयों एवं मालिकों के घरों में आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई के विरोध में आज प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत आम आदमी पार्टी फिरोजाबाद ने जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष और उनके तमाम पदाधिकारियों ने विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ नारे लगाए और मीडिया की स्वतंत्रता पर बनाए जा रहा सरकार के दबाव की घोर निंदा की। देखिए, पिछले 7 साल से जब से भाजपा सरकार में आई है, केंद्र सरकार में, तब से जो उनके खिलाफ लिखता है, जो बोलता है, जो उनकी सच्चाइयों को उजागर करता है, जो उनके घोटालों को उजागर कर रहा है, जो कोरोना काल में जो समस्याएं खड़ी हुई, जो उनको उजागर की, दैनिक भास्कर और भारत समाचार ने प्रमुख रूप से जनता की समस्याओं को, कोरोना काल की समस्याओं को, गंगा में जो लाशें तैर रही थी उनकी समस्याओं को, दवाइयों में जो घोटाले हुए उनकी समस्याओं को भारत समाचार और दैनिक भास्कर ने मुख्य रूप से उठाया। मोदी सरकार पिछले 7 साल से सच्चाई की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। अभी तक तो वो जो आवाज़ दबा रहे थे वो आम जनता तक सीमित थी, लेकिन अब वो मीडिया की भी आवाज़ दबाने लगे हैं। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर एक कुठारा घात है, एक बहुत बड़ा हमला है, और आम आदमी पार्टी फिरोजाबाद मांग करती है कि इस तरह की एक बदले की भावना, गलत काम आप कर रहे हैं अगर उसको उजागर कर रहा है और आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ये एक तरह से बदले की भावना है, और हम चाहते हैं कि इस मुद्दे को यहीं ख़त्म किया जाए और जो पत्रकारिता है उसको स्वतंत्र रूप से चलने दिया जाए। किस तरह का आंदोलन किया है? देखिए, हम लोग आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और हम ये भी चाहते हैं साथ में कि जो और बाकी मीडिया हाउस हैं, जो दिल्ली से चल रहे हैं या नोएडा से चल रहे हैं या पूरे देश से और जो भी मीडिया हाउस चल रहे हैं, उनको भी इस आंदोलन में आकर भारत समाचार और दैनिक भास्कर का सहयोग करना चाहिए। आज भारत समाचार और दैनिक भास्कर के साथ ऐसा हो रहा है, कल को आपके साथ भी होगा। अभी जो लोग तमाशा देख रहे हैं उनके साथ भी ये घटनाएं बहुत जल्दी होने वाली हैं।